आता हूँ पाकिस्तान के खुसूसन, डिप्लोमेसी पर तो बड़ी बात हो गई कि ब्लेम गेम में मेरे ख्याल में कि रिडक्शन आनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो अशरफ गनी रिकग्नाइज भी करता है, प्रेस भी करता है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा रिलक्टेंट बेयामाइजर है प्रेस करने में। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इज मूविंग आउट ऑफ दैट आइसोलेशन विच इंडिया वाज परपेट्रेटिंग, क्योंकि इससे पाकिस्तान का स्टेचर यकीनी तौर पर दुनिया में एक पीस मांगर या पीस फैसिलिटेटर के तौर पर बढ़ा है। और तीसरा, खुद को डिस्टेंस भी किया है यार ऐसे ग्रुप से FATF में, खुसूसन अभी इसके कुछ पॉजिटिव साइंस होंगे। इसके अलावा मोर फोकस ऑन डिप्लोमेसी टूवर्ड्स द इंडियन साइड, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी इधर भी कमिटेड थी उधर भी कमिटेड थी, तो अब एक तरफा तौर पर मेरे ख्याल में कि इधर फोकस ज़्यादा हो जाएगा। अगली बात ये है कि जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से पाकिस्तान के, एक तो ये है कि वेस्टर्न बॉर्डर है, खुदा करे कि वो ठंडा हो और वहाँ पर पीस प्रिवेल कर जाए, तो हमारी जो वहाँ पर कमिटमेंट है ट्रूप्स की और जो वहाँ पर हमारा फोकस है वो ईस्टर्न बॉर्डर पर, जो कि ऑलरेडी अनस्टेबल है, और खसूसी तौर जो कश्मीर की सिचुएशन है, तो उधर हमारी तवज्जो ज़्यादा मरकूज हो जाएगी और हम ट्रूप्स भी स्पेयर कर सकेंगे, और प्लस बाकी हमारा जो फोकस होगा टू फ्रंट सिनारियो नहीं रहेगा। फिर जो उधर से ऑपरेट करते हैं ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अंदर ऑपरेट करते हैं, तो इंटरनली भी हम ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे और हम मतलब है कि इंटरनल तौर पर हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो बेहतर हो जाएगा, और जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स या बाकी चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल में एक मैकेनिज्म के तहत, और ट्रेड भी साथ साथ बढ़ेगा। अगर मुआहिदा उधर कामयाब हो जाता है और वहाँ पर पीस आ जाता है, तो इससे एक अदरवाइज भी ये मुआहिदा भी जो हुआ तो जो कश्मीरीज है उनके लिए एक मोराल बूस्टिंग फैक्टर है कि वहाँ पर एक ऑक्यूपेशन फोर्स थी जो सुपर पावर थी, इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी वार मशीनरी दैट वाज नेटो वो था, और वो दोनों को एक नॉन कन्वेंशनल रेग टैग उसने मतलब है कि जाने पर मजबूर किया, तो इंडिया की जो ऑक्यूपेशन फोर्स है अब कश्मीर में उनके लिए यकीनी तौर पर इससे एक सबक ज़रूर है। फिर हमारे सिक्योरिटी पैराडाइम में क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी पैराडाइम अब हम नॉन स्टेट एक्टर्स प्लस वेस्टर्न बॉर्डर प्लस काफ़ी जगहों पर डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग के हमारे जो बलूचिस्तान है, इसके अलावा बाकी इस किस्म के जो वाक़ियात होते हैं, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अगली बात यह है कि हाइब्रिड वार जो स्पेशली जो अफगानिस्तान के साहिल या जो वहाँ पर ऐसे किस्म के कौंसलेट या वो करते थे, तो हाइब्रिड वार में यकीनी तौर पर भी कमी या पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचाया जाता था या उसमें जो तेज़ी थी उसकी डी एस्कलेशन या डी कलेब्रेशन में वो नीचे आ जाएगा। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इसके नतीजे में अफगानिस्तान के साथ बढ़ जाएगा मेरे ख्याल में, बॉर्डर मैनेजमेंट के लिहाज से भी, और इसके अलावा जो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा जो उन ग्रुप से, क्योंकि जाहिर है अगर जनरल एमिनिस्ट्री हो जाती है तो वहाँ पर जो दाइश है या जो नॉन स्टेट एक्टर है, तकरीबन 70 के लगभग इस किस्म के ग्रुप्स हैं छोटे बड़े, तो वो 70 के जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ जाहिर है कि जो रीजनल ममालिक है वो भी नहीं चाहते कि उनका असर उन पर हो, तो वो भी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और प्लस उसमें कोऑपरेट करेंगे और साथ पाकिस्तान भी कोऑपरेट करेगा, और जाहिर है कि अफगानिस्तान जो भी हुकूमत होगी वो तो उनके खिलाफ लड़ेगा, जाहिर है उसकी ज़मीन अगर किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो अगर वो कहते हैं कि अमरीका और उसके एलाइज के खिलाफ, तो पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन एलाय होते, तो फिर क्या फ्रंट लाइन के इलाके के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान का ज़मीन इस्तेमाल होना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। फिर डीवेपनाइजेशन भी हो जाएगी, जाहिर है उधर वेपन्स बहुत ज़्यादा है, तो तालिबान की पहले भी जो हुकूमत थी तो उसमें डीवेपनाइजेशन मेन फोकस था,
رادر بہت بڑی پرائیورٹی تھی, تو اب بھی یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے گی, جس میں پاکستان میں وائلنس کم ہونے کا بھی امکان ہے, یعنی فلو آف ویپنز, اسی طرح نارکوٹکس کا بھی فلو کم ہو جائے گا. پھر سوشل طور پر پاکستان میں ریٹرن آف افغان ریفیوجیز ایک بہت بڑا اسپیس ہمارے ڈیموگرافی یا باقی انفراسٹرکچر پر جو پریشر ہے. پھر پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ بڑھ جائے گا, ٹوریزم وغیرہ اس کے لحاظ سے, اور ہیلتھ اینڈ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی پاکستان میں خصوصی طور پر افغانستان کے, اسپورٹس اینڈ کلچر کو بھی کچھ ترقی ملے گی. اکنامک سائڈ پر دیکھ لے تو افغانستان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بڑھ جائے گا, کیونکہ یہ چیپسٹ بھی ہے اور شارٹیسٹ بھی ہے, اور آلریڈی بیٹن ٹریک ہے, تو اس پر زیادہ انحصار ان کا ہو جائے گا. پھر جو ہمارا ایک ہی ٹریڈ تھا افغانستان کے ساتھ, جو کہ ہم ٹریڈ کریڈٹ میں تھے, ڈیفیسٹ میں نہیں تھے, وہ افغانستان کے ساتھ تھا, وہ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس میں چلا جائے گا, اب تو ڈیفیسٹ میں ہے. پھر ایکسیسیبلٹی ٹو کار ریجن کنٹریز کو ہمیں مل جائے گی, اسپیشلی جو یہ کوریڈورس ہیں, اور اس کے لحاظ سے جو کنیکٹیویٹی ہے جو کہ ہم لانا چاہتے ہیں ٹو فرام دا سی پیک, یقینی طور پر وہ کار ریجن اور افغانستان ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. پھر جو منصوبے ہیں جو ابھی تک میٹیریلائز اس طریقے سے نہیں ہوئے ہیں, جس میں ٹاپی ہے اور اس کے علاوہ کاسا 1000 ہے, وہ بھی میٹیریلائز ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ افغانستان کا امن یقینی طور پر پاکستان کے ساتھ ایک کے لیے ایک پیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. تو بہت سارے ویزیبل انویزیبل اور ہر قسم کے جو ایکٹیویٹی ہے اس میں پاکستان کو یقینی طور پر ریلیف بھی ملے گا, اور پازیٹیو سائڈ پر یہ ٹریجیکٹری آگے بڑھے گی. تھینک یو.